गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फोर्थ यूनिट की एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ट्रायंगल क्या होता है। अ ट्रायंगल इज़ अ थ्री साइडेड पॉलीगन। इन फैक्ट इट इज़ द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल क्या है? थ्री साइडेड पॉलीगन है। और ये क्या है? ऐसा पॉलीगन है जिसकी क्या है, सबसे कम साइड्स होती हैं। पॉलीगन मैंने आपको बताया था जिसकी थ्री या थ्री से ज़्यादा साइड्स हों, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ट्रायंगल जो है वो सिक्स पार्ट्स का होता है, जिसमें कि तीन साइड आती हैं और तीन एंगल्स आते हैं। जैसे कि ये देखे बच्चे, ये हो गए आपके नीचे बेस एंगल्स, ठीक है, जिस पे ट्रायंगल खड़ा है। ये जो लेग हैं इनको हम साइड भी बोलते हैं, ठीक है, लेग्स हैं ये तीनों। फिर ऊपर जो है वो एंगल है आपका वर्टेक्स एंगल। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर? तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है ट्रायंगल का, उसके इंटीरियर मतलब अंदर जो है पॉइंट मार्क करना है जिसका नाम होगा पी, और क्यू करना है बाहर वाली साइड एक्सटीरियर में, ठीक है। इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर? जो पॉइंट ए है वो एक्सटीरियर मतलब बाहर है या ट्रायंगल के अंदर है, आपको ये बताना है। तो ये देखें बच्चे, ठीक है, ये मैंने कर दिया ड्रॉ एक ट्रायंगल, ठीक है। पी पॉइंट इंटीरियर में लेना था तो मैंने यहाँ पर ले लिया अंदर वाली साइड। क्यू पॉइंट एक्सटीरियर में लेना था तो मैंने ये बाहर ले लिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पॉइंट ए जो है वो एक्सटीरियर है ट्रायंगल के कि इंटीरियर है। तो बच्चे, पॉइंट ए जो है ना ही एक्सटीरियर है और ना ही इंटीरियर है, ये जो है पॉइंट ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है, ए बी सी। तो ए पॉइंट क्या है? ट्रायंगल के ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। द पॉइंट ए इज नाइदर लाइंग इन इट्स इन एक्सटीरियर नॉर इन इट्स इंटीरियर, इट लाइज ऑन ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है बच्चे, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये दी गई है आपको फिगर, ठीक है, ये जो फिगर है ये सेकेंड क्वेश्चन की फिगर है। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर, फर्स्ट पार्ट। फिर बी है राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स, सी है राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट्स, और डी है विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। तो पहले आप क्या करोगे, ये फिगर ड्रॉ करनी है आपको। क्वेश्चंस आपको बुक से ही लिखने हैं बच्चे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते जाओ। ये रहा फिगर आपकी, फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर। थ्री ट्राइंगल्स आपको क्या करने हैं आइडेंटिफाई। सबसे पहले कौन सा? ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आ गया, ये ट्राइंगल ए बी और सी। फिर क्या है, ये दो छोटे ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर, तो दूसरा कौन सा आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी एंड डी। और थर्ड वाला कौन सा आ जाएगा, ए सी एंड डी, ठीक है, ये तीनों आगे ट्राइंगल्स। फिर है राइट द नेम ऑफ सेवन एंगल्स। सेवन एंगल्स के आपको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। तो कौन से आएंगे बच्चे, ध्यान से देखो, एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, और एक है ये, ठीक है, और एक है ये। अब देखो ध्यान से सेवन कैसे बनेंगे। फर्स्ट आ गया एंगल ए बी सी, ठीक है, फिर आ गया एंगल ए सी डी, ठीक है बच्चे, फिर आ गया एंगल बी ए सी। अब देखो इस लाइन ने इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, एंगल बी ए डी, एंगल सी ए डी, कितने हो गए, फाइव। एक एंगल बी डी ए और एक सी डी ए, तो ये कितने हो गए टोटल, सेवन, ठीक है, ये आ गए आपके सेवन एंगल्स। सी पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट्स। सिक्स लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं आपको, तो कौन सी हो जाएंगी सिक्स, ए बी ए सी ए डी, ठीक है, ये हो गई थ्री। फिर कौन सी आ गई, बी सी बी डी और सी डी, ये कितनी हो गई आपकी, सिक्स लाइन सेगमेंट।
नेक्स्ट इज विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, कौन से दो ट्राइंगल्स में एंगल बी जो है वो कॉमन है। तो देखो बच्चे कौन से है, पहला तो आ गया ए बी और सी, और दूसरा कौन सा आएगा ए बी और डी, ठीक है। इन दोनों में एंगल बी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चे, ये देखो क्वेश्चन आपको बुक से लिखना है। ए पार्ट का आंसर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा आ गए थे, थ्री ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। फिर आपको क्या बताने थे, सेवन एंगल्स के नाम बताने थे। तो कौन से आ गए, एंगल ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, ए डी बी, ए डी सी, बी ए डी एंड सी ए डी। फिर बतानी थी आपको सिक्स लाइन सेगमेंट्स, तो कौन सी आ गई, ए बी, ए डी, ए सी, बी डी, डी सी एंड बी सी। फिर बताने थे आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स जिसमें एंगल बी जो है वो क्या हो, कॉमन। तो वो कौन से ट्राइंगल्स आ गए, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हैज़ एंगल बी एज कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।